आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े। और दही बड़े बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम दही बड़े में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। और हम आज दो तरीके से दही बड़े बनाने वाले हैं। एक हम बनाएंगे चाउमीन के दही बड़े और एक हम बनाएंगे ब्रेड के दही बड़े। तो मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दही लेंगे। इमली की हमने चटनी ले रखी है, केचप आता है मार्केट में, आप ले सकते हैं। काला नमक है, चाउमीन है, वो गरी का बुरादा है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है, काला नमक मैंने आपको बता दिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स है, कुछ है छोटे छोटे बारीक, आप काट लीजिएगा, काट के रख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या यूज़ होने वाला है दही बड़े में। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना दही बड़े। सबसे पहले हम चाउमीन को बॉईल करने वाले हैं। हम भगोने में पानी थोड़ा सा डालेंगे और हमने जो चाउमीन दे रखा है उसे हम डालेंगे, बॉइल्ड होने के लिए रख देंगे। चाउमीन को हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का ही पकाना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेंगे, हल्का ही रखेंगे। बॉयल्ड होने तक वेट करेंगे हम। आप देख सकते हैं ये चाउमीन बॉयल्ड हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो ये देख लीजिए हो गया। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। हम इसे ठंडे पानी से भी धुल देंगे। ठंडे पानी से धुलने के बाद फिर हम इसे रख लेंगे। आप देख सकते हैं ये हो चुका है बिल्कुल बॉइल्ड अच्छे से, हमने इसे धुल भी लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने देंगे। अब एक प्लेट में हम चाउमीन ले लेंगे क्योंकि एकदम इसे मैश करना है अच्छी तरीके से, जैसे हम कटलेट के लिए आलू मैश करते हैं ना, वैसे ही हम इसे मैश करेंगे। गरी का बुरादा डालेंगे हम इसमें। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है। अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैश करेंगे, देख सकते हैं। चाउमीन बिल्कुल मैश हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें ब्रेड में फिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो ब्रेड का आउट लेयर है उसे हम हटा देंगे, देन हम इसमें फिल करने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे, उसे पानी में डिप करेंगे। फिलिंग स्टार्ट कर दिया है हम अपनी, इसे बहुत ही अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब ये जो हमने पेस्ट बना रखा था चाउमीन का, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो सब ऐड करा था, अब हम उसमें ऐड करेंगे ब्रेड पे। होली का टाइम है, होली के टाइम पे हर घर में दही बड़े बनते हैं, तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, आपके गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप ट्राई ज़रूर करना ये, क्योंकि कुछ डिफरेंस उसी घर में सब खाते हैं जहाँ कुछ डिफरेंस होता है, आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगा डिफरेंट तरीके से बना हुआ ये दही बड़ा। ठीक है, हम इसे ऐसे ही रख लेंगे। आपको जितने लोगों के लिए भी बनाना है आप उतना फिल कर लीजिएगा, घर में जितने लोग हों, चार लोग हो तो चार कर लीजिएगा, पांच, जैसा जिसको खाना हो उस हिसाब से फिलिंग अप करके रख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं स्टफिंग हो चुकी है, ये चाउमीन वाला है। और इधर हम ये ब्रेड का जो बनाएंगे दही बड़ा, उसके लिए हम ब्रेड को कट कर ले रहे हैं। ये देखिए गोल गोल ऐसे ही ब्रेड को हम कट कर लेंगे। ये देखिए कट करके रख लिया है हमने, ब्रेड कट चुका है। अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करने वाले हैं। कढ़ाई रख दिया है हमने, अब हम इसमें ऑयल ऐड करने वाले हैं। ऑयल ऐड हो रहे हैं, हमें इसे फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, उस हिसाब से हम करेंगे। अब हम इसे गर्म होने तक का वेट कर लेते हैं ताकि हमारी तेल जो है गर्म हो जाए अच्छे से। जब से ऑयल गर्म हो रहा है तब से हम इधर दही बना लेते हैं, जिसमें हम फ्राई किया हुआ जो बड़ा है हमारा उसे हम डिप करने वाले हैं, वो बना लेते हैं। दही ले लिया हमने, दो तरीके के दही बड़े हैं इसलिए हम दोनों अलग अलग ले ले रहे हैं, दो जगह दही। इसमें जो मिक्स करेंगे वो दोनों में सेम ही करेंगे, बट हम दोनों अलग अलग आपको दिखा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जीरा पाउडर ऐड करेंगे हम, दोनों में ही हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे।
ये काला नमक है वो ऐड करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट तरीका है ये। लाल मिर्च पाउडर है, आप चाहें तो थोड़ा तीखा कम भी रख सकते हैं, आप लाल मिर्च अपने हिसाब से डालिएगा। हम इसमें चीनी ऐड करने वाले हैं। दोनों में ही हमने सारे मटेरियल ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे हम, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर हम थोड़ी देर के लिए इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम जो बड़े हैं उसे फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए। इसमें हम ब्रेड छानेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेंगे इसे। हल्का हल्का ब्राउनिश हो जाएगा, देन फिर हम निकालेंगे इसे। ब्राउनिश हो गया है, एक साइड का हो गया है, दूसरी साइड भी हो जाए तो हम इसे निकाल देंगे। ये हमने निकाल लिया है इसे। अब ये देखिए हम निकाल ले रहे हैं। अब हम चाउमीन वाले बड़े को छान लेंगे, इसे भी हम डीप फ्राई करेंगे। फ्राई हो रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया इसका, आप देख लेंगे कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाइएगा ताकि ये अंदर से क्रिस्पी हो जाए। फ्राई हो चुका है अच्छी तरीके से, अब हम इसे निकाल लेंगे। निकाल के हम साइड में रख लेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे फ्राई हो चुके हैं, हमारा सब कुछ तैयार है, बस हम बहुत जल्दी सर्व करने वाले हैं, सर्व करके आपको दिखाने वाले हैं। दही बड़ा बिल्कुल रेडी है, सर्व कर लिया है हमने। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं कि हाँ ये कैसी रेसिपी है, और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।